हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, ये ब्लॉग है बेसिकली ना, यार मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं ना 2-3 दिन से कुछ चीज़ों को लेके सफ़र कर रही हूँ। मतलब मैं उन चीज़ों को जानना चाहती हूँ, पर मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है। मतलब मेरे एक तो भाई, आप ये सोशल मीडिया पे हो ना, तो आपके दोस्त तो मे भी शायद बहुत बन जाएंगे, पर ऐसा होता है कि मतलब जो एक होती है ना कि तू ऐसे ऐसे करके ये चीज़ कर सकता है, ये ऐसे ऐसे करके ये चीज़ होगी, वो सपोर्ट तो आप मतलब ऐसे समझो कि 100-200 क्या, हजारों में कोई एक आध होगा आपको जो जेन्युइनली चाहेगा कि आप आगे बढ़ो, या फिर आपको चीज़ें बताएगा कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे कर तो ऐसे होंगी चीज़ें। तो मतलब हम लोग ना उन चीज़ों से बहुत पीछे रह जाते हैं कि हमें ना सही गाइडेंस नहीं मिल पाती चीज़ों की। तो मैं ना मतलब बेसिकली मेरा पर्पज़ यही है ये वीडियो बनाने का, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, जिन्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है। और हाँ, जैसे मेरे ना पिछले 2-3 दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी, नाउ आई एम फीलिंग बेटर, अभी मेरे को ठीक लग रहा है पहले से। तो इसीलिए मैं मतलब ये था कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। मैं 2-3 दिन से ना कुछ चीज़ों को लेके सफ़र कर रही हूँ। मतलब मैं सर्च मार रही हूँ इधर उधर, यूट्यूब गूगल सब कर रही हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ें आपको भी बताई जाए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज़ों को डेस्परेटली जानना चाहते हैं, बट कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें बता सके। तो यार, जितना मेरे नॉलेज में है चीज़ें, तो मेरा मन किया क्यों ना वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। मतलब जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता यूट्यूब कितने पैसे देता है, कितने व्यूज़ पर, या फिर काम करना है तो कैसे करें, अपना चैनल मोनेटाइज कैसे होगा, मतलब चैनल कैसे बनाए, चैनल मोनेटाइज कैसे करें। तो देखो गाइस, मतलब चैनल बनाने का तो अगर आपका ये है कि कंटेंट क्रिएट करने का मन है आपका, तो हम जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो इट मीन्स आपका चैनल तो है ही, ठीक है। आपको ना उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, ठीक, कि मतलब प्रॉपर चीज़ें उसमें एडिट करनी है, आपके चैनल का नाम क्या होगा, आपको अपनी एक DP लगानी है उस पर, मतलब प्रॉपर वे में करनी है चीज़ें। और मतलब एक प्रॉपर वे होता है ना कि अपना नाम प्रॉपरली डालो उसमें, फिर फ़ोटो, आपकी फ़ोटो है जो ओरिजिनल फ़ोटो आप मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन डालो कि मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएट करूँगा, डेली लाइफ के रिगार्डिंग या कुछ भी। ये कौन है गाइस, 1 मिनट। फिर मतलब ऐसे सारी चीज़ें एडिट करने के बाद ना, मतलब यूट्यूब का जो कौन खड़ा पता ना, मोटे ना खड़ा गाइस, किसी की भी गाड़ी खड़ी होगी जब ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो खड़ी है गेट के बाद, तो उसको कैमरे में से दिख रही है तो कह रही है मामा मोटे खड़ा है, ठीक, मोटे नहीं खड़ा कोई और है। तो मतलब जो YouTube का क्राइटेरिया है ना चैनल को मोनेटाइज करने का, वो होता है 4,000 घंटे, 1,000 सब्सक्राइबर। और YouTube की बात ये है गाइस, देखो इंस्टा पे ऐसा होता है कि वीडियो एकदम से चली और रुक गई, लेकिन जो YouTube की वीडियो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है धीरे धीरे करके, मतलब वो स्टॉप नहीं होती, वो कुछ ना कुछ चलती रहेगी। तो मतलब उससे ना कुछ अर्निंग आती रहेगी आपका अगर चल रहा है तो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ना स्टार्टिंग में जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने ना 4 ब्लॉग पे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, ठीक है, 4 ब्लॉग पे प्रॉपर ऐसे हो गया था कि मेरा 4,000 घंटे कंप्लीट हो गए थे, 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। और लेकिन अर्निंग तो स्टार्ट हो गई थी मेरी, मतलब जैसे ही वो क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ ना, तो यूट्यूब स्टूडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आपने चैनल बनाया, आपको नहीं पता कैसे मोनेटाइज होगा, तो आपने यूट्यूब स्टूडियो डाउनलोड करो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको चैनल, आपके चैनल को मोनेटाइज होने में ये क्राइटेरिया पेंडिंग है।
तो मेरा ना मतलब 3-4 ब्लॉग पे मोनेटाइज हो गया था और अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आपका ना पेमेंट तब आती है आपकी पहली, जब आपका गूगल पिन आ जाता है और वो वेरीफाई कर लेते हो आपको, आप अपने गूगल अकाउंट को। जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा ना, तब तक आपकी पहली पेमेंट नहीं आएगी, ठीक है। और मैं सच बताऊँ ना, मैंने 3 अटेम्प्ट किए थे और मेरा पिन नहीं आया था। गूगल एडवर्ड का जो पिन आता है वो नहीं आया था मेरा। फिर मेरी कुछ दिन के लिए ना ऐसे एड्स स्टॉप कर दी थी यूट्यूब ने, मतलब चैनल तो मोनेटाइज हो गया था लेकिन वो वेरीफाई नहीं हो पाया था मेरा अकाउंट। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ना एड रन होनी बंद हो गई थी। फिर उसके बाद मतलब मैंने चीज़ें मतलब सर्च की, देखा, मतलब मैं ऐसे तो बहुत हुई इन सारी चीज़ों में बहुत डीपली घुस के, ऐसे मतलब ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। तो मैंने जैसे तैसे करके ना भाई, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खुद से मोनेटाइज किया था और भोलू का भी मैंने ही मोनेटाइज किया था, और पेमेंट डिटेल्स भी मैंने ही अपनी अकाउंट में ऐड की थी और उसकी भी मैंने ही ऐड की थी उसके अकाउंट में भी। तो मतलब मेरा तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा था और एड्स रुक गई थी, मतलब पेमेंट आनी बंद हो गई थी कि अब ऐड नहीं आएंगे तो पेमेंट ही नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जो यूट्यूब की पेमेंट आती है वो आपके एड्स के बेसिस पे आती है, कितनी एड रन हो रही है आपके चैनल पे। तो मतलब वो फिर रुक गया। उसके बाद गाइस मतलब ऐसा हुआ कि मैंने सर्च की चीज़ें, ठीक है, और फिर मेरा ना अकाउंट वेरीफाई हो गया विदाउट पिन। 3 अटेम्प्ट थे, तीनों ख़त्म हो गए थे। विदाउट पिन मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया था और फिर से एड रन होने लगी थी। और लेकिन हाँ, यूट्यूब का ना ऐसे $100 का क्राइटेरिया होता है कि आपकी पेमेंट $100 होने के बाद ही आएगी। जब तक वो $100 नहीं हो गया तब तक आप वो रिडीम नहीं कर सकते। और क्या कहते हैं, 21 तारीख को यूट्यूब आपको पेमेंट भेज देता है। 3-4 दिन वो उसमें लगते हैं, मतलब करेंसी एक्सचेंज होता है ना वो, उसमें लगते हैं। तो मे बी 25 या 26 तक आपके अकाउंट में वो पेमेंट क्रेडिट हो जाती है। यूट्यूब की पेमेंट भाई सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपको ना मतलब आप कहीं भी काम कर रहे हो, जैसे इंस्टा पे काम कर रहे हो तो वहाँ ब्रांड्स आपको पैसा देगा तब आएगा। लेकिन यूट्यूब का ये सिस्टम है कि आपकी पेमेंट बन गई ना तो मतलब तो वो आनी आनी है, वो रुकेगी नहीं, ठीक है। मतलब वो पैसा आपको मिलेगा। अगर हाँ, आप लोगों की किसी की भी कोई भी क्वेरी है यूट्यूब चैनल से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो आप मेरे को ना मतलब कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई विल बी देयर फॉर यू। और नो इश्यू, अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं करने के लिए रेडी हूँ। इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। हाँ, डिब्बा ले रही हूँ। इसका हाल देख लो गाइस, देखना, देखो गाइस, देखो कितनी बुरी हो रही है, गंदू बच्चा, देखो देख ली। तो खुद ही चढ़ेगी, देखो खुदा के झांकी। काफी बस अभी बता रही हूँ। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। किसी की भी कोई भी क्वेरी हो ना तो बेझिझक होकर कमेंट कर देना, मैं जितनी मेरे से हो पाएगी मैं उतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।